इसका जो डंठल है इनको मैं सारे डंठलों को काट देती हूँ अलग करके। देखिए मैं इनको पहले धुल लेती हूँ। नमस्ते दोस्तों, हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? और आपकी कई दिन हो गए तब से मैंने अपना कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, आज ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, किसी कारणवश बना नहीं पाई हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, 7 बजे है और मैंने घर का सारा साफ सफाई कर लिया है, नहा धो भी लिया है और अब मैं सुबह का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। सुबह के नाश्ते में मैं क्या बनाने जा रही हूँ, अभी चाय भी हमारे घर में नहीं बनी है क्योंकि आज मैं कुछ बनाने जा रही हूँ चाय के साथ में, तो आपको दिखाती हूँ क्या बनाने जा रही हूँ। और देखिए मैं क्या बना रही हूँ, ये देखिए हमारे घुइये के पत्ता हैं और हमारे यहाँ तो गोगा बोले जाते हैं, यहाँ लपटुआ बोले जाते हैं, तो यही मैं बनाने जा रही हूँ। तो आप लोगों को दिखाऊंगी ये मैं कैसे बनाऊंगी, तो चलिए मेरे साथ साथ मेरी वीडियो में बने रहिए और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले इनको मैं इसे खोल के साफ कर लूँगी और इनको मैं खोल लेती हूँ ऐसे। ये इनको जो डंठल है इनको मैं सारे डंठलों को काट देती हूँ अलग करके। देखिए मैं इनको पहले धुल लेती हूँ, सारे पत्तों को इसी में डाल के धुल लूंगी अच्छे से। सारे पत्तों को मैं निकाल लेती हूँ, मैंने अच्छे से धुल लिया है इनको और अब मैं अपने किचन में चल रही हूँ। जब तक मैं अपने पत्तों को तैयार करूँगी तब तक मैं इधर गैस को जला लेती हूँ। और ये मैंने कढ़ाई में पानी को ले लिया है और इसको मैं खौलने के लिए रख दूंगी। जब तक मैं अपने घुइयों को पत्तों को तैयार करती हूँ तब तक ये मेरे पानी यहाँ पे है कढ़ाई में और ये खौल जाएगा। इस पर मैंने छलनी को झाँप दिया और ये हमारा बेसन है, इसमें मैं डाल लेती हूँ नमक, ये नमक को डाल लिया है और ये थोड़ा गरम मसाला है इसे भी डाल लेती हूँ, थोड़ी हल्दी, थोड़ा गरम मसाला और ये थोड़ा अमचूर पाउडर इसे डाल लिया है और ये नींबू है इसको भी मैं इसका रस जो है इसी में निचोड़ लेती हूँ और ये थोड़ा मिर्च, इस सारी चीज़ों को मिला लेती हूँ मैं। और अब मैं अपने बेसन को फेंट लेती हूँ पानी डाल के, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, अच्छे से फेंट लेती हूँ पहले मैं। ये हमारा बेसन फेंट चुका है, अब मैं देखिए क्या करती हूँ। मैंने एक थाली को ले लिया है ऐसे रख दिया है और इसी पे मैं सारे पत्तों को लपेट के रखूँगी। देखिए पत्ते को मैंने सीधा कर लिया है और इसे ऐसे थाली पे बिछा दिया है और इसमें मैं बेसन लगा दूंगी इस तरीके से, ऐसे मैं पत्तों पे लगाती जाऊंगी सारे बेसन को, सारे पत्ते पे बेसन को लपेट लिया है और इसी पे मैं दूसरे पत्ते को भी बिछा देती हूँ। इस पे भी मैंने बेसन को ऐसे लगा दिया है और इसी तरीके से 3-4 पत्ते को मैं एक साथ में ही रखूंगी, एक एक करके सारे पत्तों को ऐसे मैं बिछाती जाऊंगी और बेसन को लगाती जाऊंगी इस तरीके से। एक साथ मैंने 3-4 पत्तों को लपेट लिया, अब इनका मैं रोल बना लेती हूँ इस तरीके से, ऐसे रोल बनाती जाऊंगी, बेसन को लगाती जाऊंगी ताकि अच्छे से बेसन इसमें सेट हो जाए इस तरीके से। ये देखिए मैंने रोल को बना लिया है अच्छे से और इसे मैं एक साइड में रख दूंगी। ये हमारा रोल बनके तैयार हो चुका है, एक रोल को मैंने बना लिया है देखिए इस तरीके से, और बनाने के बाद मैं इसे दूसरी तरफ रख दूंगी और इसी तरीके से मैं सारे पत्तों को एक साथ रोल बना बना के रख लूंगी
और ये मैंने सारे रोल को बना के रख लिया है, अभी दिखाती हूँ। एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ फ्रेंड लोग, इसमें नींबू का रस जरूर डालिएगा। अगर नींबू का रस नहीं डालेंगे तो पत्तों में परपराहट रहती है और जीभ छन जाती है, तो नींबू का रस अगर आप डालेंगे तो बिल्कुल पत्तों में परपराहट नहीं आएगी और पकौड़ी हमारी अच्छी बनेगी। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे सारे रोल बन गए हैं और इधर हमारा पानी भी खोल चुका है। देखिए अच्छी तरीके से पानी खोल चुका है हमारा, और इस पर मैं ये रख दूंगी छलनी। पहले इसमें थोड़ा तेल लगा लेती हूँ नीचे तली में, नहीं तो ये चिपक जाएंगे सारे रोल। और इसको मैं पहले तेल से चिकना कर लेती हूँ। देखिए पानी भी अच्छी तरीके से खोल रहा है, और अब इस पर मैंने छलनी को रख दिया है और इसी पे मैं सारे रोल अपने रख देती हूँ एक एक करके इस तरीके से। और इधर देखिए बंदर कितना परेशान कर रहे हैं, कितने बंदर हैं सुबह से परेशान कर रहे हैं, काम भी नहीं करने दे रहे हैं और यहाँ उधम काट रहे हैं। अमरूद भी सारी खाद डाली है, कुछ रहा भी नहीं है, फिर भी यहाँ इधर उधर डोल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैंने सारे रोल को रख दिया है और उस पर मैं इस थाली को इस तरीके से ऐसे ढक देती हूँ और ये हमारे अच्छे से तरीके से उबल जाएंगे। और उबलने के बाद में मैं दिखाती हूँ, अभी तो ये उबलने के लिए रख दिया है, तब तक मैं अपनी चाय भी बना लेती हूँ। मैं खोल के देख रही हूँ और ये देखिए अब हमारे अच्छे से उबल चुके हैं ये घुइया के पत्ते, और लपेटुआ बोलती हूँ मैं इन्हें। और इनमें मैंने हींग भी डाली थी, आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ, और इसमें हींग भी डाली है मैंने। अब इसको अलग कर लेती हूँ, गैस को कर देती हूँ बंद। इन्हें पहले मैं निकाल के रख लेती हूँ, अलग निकाल के रख लेती हूँ इस तरीके से, और तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। और इधर चाय भी बन गई है, फिर से मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई को, और लाइट है तो इंडक्शन पे ही मैं पकौड़ियों को भून लूँगी। पहले पकौड़ियों के लिए मैं काट लेती हूँ। कढ़ाई गर्म होने लगी है, मैं डाल दूँगी इसमें तेल, और जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं पकौड़ियों को काट लेती हूँ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बनी है हमारी पकौड़ियाँ, और ये रोल को काटा है तो देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है रोल, ये इस तरीके से बना है। और इसको मैं सारे रोलों को काट लेती हूँ। इधर मेरा तेल भी गर्म हो रहा है, ये सारे रोल काट लिए हैं, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये रोल हैं और इनको मैं भूनने के लिए डाल देती हूँ। ये देखिए इनको मैं भून लेती हूँ अच्छे से। अब ये एक तरफ से भून गई है, दूसरी तरफ पलट देती हूँ इन्हें। सारी पकौड़ियों को पलट के सेक लूंगी दूसरी तरफ भी। अब ये भुन चुकी है पकौड़ियाँ हमारी, इनको मैं निकाल लेती हूँ। खूब खरा खरा भुजा है मैंने इनको, देखिए कितनी खरी खरी भुजी हुई हैं। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। और इसी तरीके से मैं सारी पकौड़ियों को भून लेती हूँ। देखिए हमारी पकौड़ियाँ सारी बनके तैयार हो चुकी हैं, और ये मैंने बनाई है खरी खरी पकौड़ियाँ, खूब भूंजी हैं मैंने इस तरीके से। ये देखिए कितनी अच्छी लगती है, हमारी चाय भी बन गई है, चाय भी बन गई है, चाय को छान लेती हूँ मैं। आज हमारी चाय नाश्ता देर हो गई है पकौड़ियों की वजह से चाय में, और अब मैं सभी लोग पीने जा रही हूँ।
और ये पकौड़िया भी है। आज मैंने इसी तरीके की पकौड़ियों का, भुइयां की पकौड़ियों का मैंने दिखाया है आप लोगों को वीडियो, और इसमें से सब्जी भी बनाऊंगी, सब्जी का मैं दूसरा वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। और दूसरी तरीके से भी भुइयां के पत्ते बनाए जाते हैं, काट के भी बनाए जाते हैं, वो भी मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो लीजिए हमारे चाय नाश्ते पे आप लोगों का स्वागत है, और मैंने बनाई है भुइयां के पत्ते की पकौड़ी। तो आज का वीडियो हमारा आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों को जो भी बनाऊंगी उसका वीडियो दिखाऊंगी, और हमारे यहाँ किस तरीके से बनाया जाता है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और हर जगह जगह की जानकारी मिलती है यूट्यूब चैनल से, मैं जैसे बनाती हूँ वो मैं अपने यहाँ का वीडियो आप लोगों को दिखाती हूँ, और सब्जी बनाऊँगी उसका भी दिखाऊँगी। तो इसी तरीके से बनाइए पकौड़ी, और पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।